ने इस्तीफा दिया, इसके पहले कई बार इस तरह का बयान उनका विपरीत सरकार के कार्यों को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के, चोर का सरदार, क्या क्या उन्होंने पहले आरोप लगाया, अब इस्तीफा दे दिया। देखिए, इस्तीफा उन्होंने दिया है और इसकी सूचना जगता बाबू ने दी, मीडिया में हमने भी देखा है, सुना है। और इस्तीफा के पीछे जो कारण है, उस कारण की व्याख्या खुद ही अपने अनुसार जगता बाबू कर रहे हैं। जगता बाबू बोल रहे हैं कि लड़ाई न बढ़े, सरकार ठीक से चलती रहे, इसलिए इस्तीफा हुआ। तो या तो कोई भी चाहेगा कि सरकार ठीक से चले, तो इसलिए इस्तीफा उनका हुआ है। और जगता बाबू जो बोल रहे हैं तो कारण तो वही बता रहे हैं, इस पर हमारी टिप्पणी की क्या जरूरत है। लेकिन ये जो बार बार उनका बयान आ रहा था विपरीत परिस्थिति के बारे में, सरकार को लेकर के, सरकार में अपने अधिकारियों को लेकर के, ये बयान कहीं ना कहीं से खटास पैदा कर रहा था। नहीं, देखिए, एक मर्यादा तो रहनी चाहिए। आप विपक्ष में होते हैं, वहाँ क्या आपकी भूमिका होती है, सत्ता में जाते हैं तो वहाँ क्या मर्यादा होनी चाहिए, इसका ख्याल तो हर व्यक्ति को रखना ही चाहिए। उस मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रखेगा तो स्वाभाविक रूप से अब खुद का भी नुकसान होगा, साथ वाले लोगों का भी नुकसान होगा, जनता का भी नुकसान होगा। तो यह ख्याल तो रखना ही चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो बातें आ रही थी वह तो सब लोगों के सामने है ना। लेकिन विपक्ष कह रहा है, खास करके भाजपा कह रही है कि ये तो होना ही था, जिस तरह से ये गठबंधन नहीं हुआ है, ये ठगबंधन हुआ है, और उसमें जो नेता हैं, जो अच्छे छवि के नेता हैं, वो कैसे काम करेंगे। सुधाकर सिंह इसीलिए इस्तीफा दे दिए। देखिए, आईना दिखा, बीजेपी क्या कह रही है उससे क्या मतलब है। बीजेपी तो बफलाहट में कुछ भी बोलती है। हम लोग साथ थे कल तक तो बहुत अच्छे थे नीतीश कुमार जी, बीजेपी की नज़र में साथ नहीं है तो बहुत ख़राब हो। तो बीजेपी के लोग तो बफलाहट में बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब 2024 में भी उनकी सत्ता देश से जाने वाली, इस घटना के बाद, महागठबंधन निर्माण के बाद, तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। उनके बोलने का क्या मतलब।